लिया, नोट कर लिया। अच्छा अब आप समझो इन्हीं क्वेश्चंस को वर्ड प्रॉब्लम में कैसे, ये कांस्टेंट आपको मतलब कैसे बनाने होंगे अगर वर्ड प्रॉब्लम दी जाए, बस ये इक्वेशन सॉल्व कर दी। अच्छा अब आप क्वेश्चन में शॉर्टकट में बोलूंगा, ध्यान से सुनो और लिखते जाना जरा। क्वेश्चन है, एक कॉपरेटिव सोसाइटी है, एक कॉपरेटिव सोसाइटी है, इनके पास 50 हेक्टेयर्स लैंड पड़ी हुई है, जमीन खाली पड़ी हुई है, 50 हेक्टेयर्स लैंड टू ग्रो। यहां पे क्या करना चाहती है कॉपरेटिव सोसाइटी, 50 हेक्टेयर लैंड में टू ग्रो क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई, दो तरह की ये फसल वहां पे उगाना चाहती है। अच्छा अब ये दिया हुआ है यहां पे प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स, क्रॉप एक्स को उगाने के बाद जब उसको मार्केट में मंडी में जाके सेल करेंगे तो यहां पे इसमें जो प्रॉफिट है ये दिया हुआ है 10,500 पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर से जो फसल उठ के आएगी उससे प्रॉफिट होगा सोसाइटी को 10,500 रुपए। और इसी तरह से क्रॉप वाई का प्रॉफिट दिया हुआ है ₹9,000 पर हेक्टेयर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब टू कंट्रोल वीड्स, वीड्स जो झाड़ी वाड़ी उग जाती है जंगली झाड़ी, इनको कंट्रोल करने के लिए एक लिक्विड यूज किया जाता है, अ लिक्विड इज यूज्ड ताकि वो जंगली झाड़ फूस ना हो गए। एट द रेट्स ऑफ ट्वेंटी लीटर्स एंड 10 लीटर्स, 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स में प्रति मिनट। अच्छा ये जुश का मैं कर रहा हूं, पर हेक्टेयर फॉर एक्स एंड वाई, मतलब क्या, अगर आप एक हेक्टेयर में क्रॉप एक्स का, जहां क्रॉप एक्स उगाओगे वहां पे अगर आप एक हेक्टेयर में लिक्विड डालते हो तो वहां पे उसको चाहिए एक हेक्टेयर में 20 लीटर लिक्विड, और क्रॉप वाई जहां पे उगा होगा वहां पे उसको कंट्रोल करने के लिए एक हेक्टेयर में आपको डालना होगा 10 लीटर लिक्विड। ठीक है, अच्छा अब ये भी लिखा हुआ है इसमें 800 लीटर्स, नॉट मोर देन 800 लीटर्स शुड बी यूज्ड, not more than 800 liters should be used, मतलब 800 लीटर से ज्यादा आपको लिक्विड यूज नहीं करना। तो ये अब क्या हुआ, हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया और आपसे क्वेश्चन क्या पूछना भी है सुनो, हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड फॉर बोथ दी क्रॉप्स एक्स एंड वाई, क्या बताना है आपको क्रॉप एक्स और क्रॉप वाई के लिए कितनी कितनी लैंड एलोकेट करें, कितनी लैंड में क्रॉप एक्स उगाएं, कितनी लैंड में क्रॉप वाई उगाएं, जिससे ये जो प्रॉफिट है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट आदमी क्या चाहता है हमेशा, मैक्सिमम राइट। और इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्या निकालना है एक बार फिर बताना, नहीं मैक्सिमम प्रॉफिट तो करना है, निकालना क्या है,
कितनी कितनी लैंड दोनों क्रॉप के लिए एलोकेट की जाए, कितनी लैंड क्रॉप एक्स के लिए रखी जाए, कितनी लैंड में क्रॉप वाई उगाया जाए, जबकि आपके पास सिर्फ 50 हेक्टेयर लैंड अवेलेबल। अब आपके पहले क्वेश्चन अगर नोट कर लिया है तो नोट कर लो, मैं इसको रब कर दूंगा। नोटेड सर। ओके अच्छा, अब सुनो क्या करेंगे हम। सारा नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं क्रॉप एक्स के लिए। अच्छा आप बोलो, क्रॉप एक्स के लिए कितनी लैंड एलोकेट करें? एक्स हेक्टेयर। चलो मान लेते हैं क्रॉप एक्स जहां उगाएंगे वो लैंड होगी एक्स हेक्टेयर। ठीक है, तो पहली आपने ये मान लिया क्रॉप एक्स के लिए लैंड लेंगे एक्स हेक्टेयर और क्रॉप वाई के लिए लैंड ले लेंगे मान लेते हैं वाई हेक्टेयर। अब हम अपने कॉन्स्टेंट रेडी करते हैं। चलो कितनी हेक्टेयर लैंड है आपके पास? 50 से ज्यादा यूज कर सकते हो आप? नो सर। खेती जाके फिर उगाओगे? अपने पास जो उगाएंगे वही सफल, अपनी फसल अपनी, मैं सफल कह रहा हूँ। तो जरा पहली कॉन्स्टेंट बताओ, हमने जितनी लैंड यूज की वो x प्लस y है, ये क्या होनी चाहिए बताओ? इक्वल टू 50 इज लेस देन एंड इक्वल टू 50। परफेक्ट, या तो पूरी 50 यूज कर लो, 50 की 50 यूज कर लो, या 50 से कम यूज कर लो। तो अगर आपको बैठना हो, मान लो मेरी जरूरत जाके मंजिल जी लगा के बैठना हो, तो x प्लस y लेस देन 50 हो, पहली कॉन्स्टेंट हो गया। अच्छा अब बताओ, अगर आप x हेक्टेयर में क्रॉप x को उगा रहे हो, कितने लीटर लिक्विड चाहिए? 20 लीटर। वो तो एक हेक्टेयर के लिए बता रहे हैं, x हेक्टेयर के लिए बताओ। 20x लीटर चाहिए आपको x हेक्टेयर फसल के लिए, ताकि वो झाड़ फूँक जंगलियां ना होंगे। इसी तरह से y हेक्टेयर क्रॉप y ने ले ली, उसके लिए कितना लिक्विड चाहिए? 10y। अभी बताओ इतना लिक्विड आप यूज करोगे अपने पूरे खेत में जाकर, राइट? ये कैसा होना चाहिए? 800 से कम, यानी लेस देन और इक्वल। इसको चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हो 10 से डिवाइड करके, ये कोई कंपलसरी नहीं होता, करना है करो, नहीं करना मत करो। इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर लें तो ये 2x प्लस y लेस देन 80 आ जाए। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट और है, वो और बताओ। 10,500x प्लस 9,000y, ये तो प्रॉफिट है। एक कांस्टेंट कह रहा हूं मैं, ऐसा लेस देन सर, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। परफेक्ट जवाब। जो आपके x और y हैं, क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने क्रॉप x उगा रखी है माइनस 50 हेक्टेयर में, ये तो बोल ही नहीं सकते। या तो क्रॉप x को उगाया हुआ ही नहीं, छोड़ो क्रॉप x नहीं उगाते तो 0 हेक्टेयर हो जाएगा उसके लिए, और अगर होगा तो फिर ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये वाला कॉन्स्टेंट जनरली हर क्वेश्चन में आता ही आता है। अब आप मेरे को अपना ऑब्जेक्टिव बताओ, ये सब बनाने का क्या उद्देश्य है हमारा? हम क्यों मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। करेक्ट, अब बताओ इसके एक हेक्टेयर से प्रॉफिट होने वाला है 10,500, आपने एक्स हेक्टेयर में क्रॉप एक्स उगा रखी है, कितना प्रॉफिट बने? 10,500x। ठीक है, प्लस y हेक्टेयर हो गया आपका क्रॉप y के लिए, वहां से आता है प्रॉफिट एक हेक्टेयर का 9,000, तो y हेक्टेयर का हो गया 9,000। इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना चाहते हो मिनिमम करना चाहते हो? मैक्सिमम। ये आपने क्या किया, क्वेश्चन को रीड करके कॉन्स्टेंट तैयार कर लिए। तीन कॉन्स्टेंट है, एक ये x प्लस y लेस देन 50 वाला है, एक ये 2x प्लस y लेस देन 80 वाला है, और ये तो होता ही होता है। अब आप फटाफट से इनका रफ स्केच बना लो, जैसे मैंने बनाया था बोर्ड का, अपने कॉपी पे बना लो, और मुझे जरा वो पॉइंट बताओ जहां पे ये मैक्सिमम आ रहा है। प्रॉफिट को मैक्सिमम तो करना होगा, वो तो एक्स और वाई लैंड हो गई, लेकिन अब एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालनी है? इस प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो एक्स वाई कितना कितना रखते दो जिससे ये प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए। फटाफट से रफ रफ का स्केच बना लो जैसे मैंने बनाया था, कॉर्नर पॉइंट देख लो क्या क्या आ रहे हैं उसके।
बन गया ग्राफ बन गया। थोड़ा जल्दी कर लो बच्चों। यस सर, ग्राफ तो बन गया। अच्छा कॉर्नर पॉइंट निकाल लो जरा, उसके चार कॉर्नर आएंगे, उसमें एक ओरिजिन भी होगा। यस सर, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे निकल गए। मुझे वो कॉर्नर पॉइंट चेक करा देना, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। यस सर, 0.40, हाँ 50.0, 0.40 या 40.0 एक बार चेक करो। 40.0 सर, एक्स एक्सिस पे 40.0 आ रहा है गौरी का। Yes, 40.0, sorry, मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, अब उसका बताओ, next बताओ, next corner point। 0.50, ठीक है, और 0.0, ठीक है, एक बीच वाला और बताओ, and 30.20। Yes, अब इन चारों पॉइंट को फटाफट से प्रॉफिट में डाल के चेक करो कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। मैं ग्राफ बताऊं, साहिल ग्राफ बन जाएगा, यहाँ दिखा रहे, देखो ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। कैसे बनाना है, एक्स को मन में जीरो रखो, वाई 50 हो गया, वाई को जीरो रखो, एक्स 50 हो गया। 50 का मतलब है कि हमें 10, 20, 30 का स्केल रखना चाहिए। तो ऐसे मान लेते हैं ये 10, 20, 30, 40, 50, अंदाजे से बनाना होगा। ये 50 इधर पे, ये मान लो 50, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 50 हो। अगर देखो ये लेस देन होता है इस फिगर से, अगर ये x और y लेस देन होते हैं तो हमेशा टुवर्ड्स ओरिजिन एरिया होता है, हमेशा। तो ये एरिया इधर का ले लेगा, इसको बनाते हैं। चलो x को जीरो लेंगे, y 80, 50 के ऊपर मान लो अंदाजे से, ये रहा 80 यहाँ पे। और अगर y को जीरो रखेंगे तो x 40, ये 50 है ना, इसके अंदर मान लो ये 40, ये लाइन ऐसे आ गई, ठीक है। इसका भी एरिया क्या होगा, अंदर की तरफ। तो कॉमन एरिया कौन सा शेड हो जाएगा, ये वाला शेड हो जाएगा कॉमन, दोनों के अंदर अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना आपको, बस ये ना। जरा कॉर्नर कितने जरा कैलकुलेट करो, एक तो ये कॉर्नर है, ये आपका वाई 50 पे है, देखो ये वाई 50 है ना, तो 0.50 हो गया। ये वाला एक्स 40 था यहाँ पे, देखो ये 40.0 हो गया, और ये आप सॉल्व करके निकालोगे। वैसे करना है सॉल्व, वर्बली कोशिश करो, 2x में से x माइनस करो, x हो गया, y से y कट गया, 30 हो गया, 30 और 20 हो गया। So 30.20 आ रहा है मैक्सिमम पॉइंट। अब इन चारों पॉइंट को, हाँ 0.0 पे तो प्रॉपर्टी 0 हो जाएगा, वैसे वो भी कॉर्नर पॉइंट होता है, उसको भी लेना है मतलब। तो अब आपने क्या किया, पहले ले लिया 0.50, यहाँ 0 रखा, यहाँ 50 रखा, प्रॉफिट हो गया 4.5 लाख, ठीक है। फिर आपने ले लिया 40.0, 40 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, प्रॉफिट कितना हो गया देख लो, तब काफी बड़ी वैल्यू आ रही है मेरे ख्याल से, 4,20,000 आ रही है। और 30.20 पे इस पे सबसे ज्यादा आ रही है, यस 4,95,000 आ रहा है। तो ये आपका प्रॉफिट है मैक्सिमम। तो पता चल गया दोनों क्रॉप के लिए कितनी कितनी लैंड हमें एलोकेट करनी चाहिए, 30 हेक्टेयर में ये उगाओ, 20 हेक्टेयर में इसको उगाओ, तो प्रॉफिट मैक्सिमम है। और जो लिक्विड विक्विड यूज करना है वो सब आपका लिमिट में रहेगा, जो कॉन्स्टेंटली। दो इक्वेशंस यूज करनी है ग्राफ के लिए बस, नहीं दो का भी आ सकता है, तीन का भी आ सकता है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन में देखो ना तो दो का आएगा ना तीन का आएगा। मैं आपको बताता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन में, मैं एक मिनट ओपन कर तो रहा हूँ, ये यहाँ पे इंटरनेट चल नहीं रहा, जरा एक मिनट रोको। चलो अब आप इसका एक क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी वाला, वो तो आपको बता देता हूँ कैसे होगा।
अब देखो ये रख कर दो, हो गया। अब समझते हैं कि इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, जो हम कर रहे हैं ये एमसीक्यू नहीं है। इसमें तो आपने पूरे कॉन्स्टेंट्स बनाए, ग्राफ वगैरह बनाया, फिर वो कॉर्नर पॉइंट निकाल के वैल्यू वगैरह निकाली, पूरा क्वेश्चन 5 नंबर में सॉल्व किया। अब जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 30, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है वाई एक्सिस पे 90, ठीक है। उसके बाद एक लाइन ऐसे जा रही है, ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 50, और ये वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे ये भी है 50, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला फिजिबल रीजन शेड किया गया है, ये फिजिबल रीजन शेड किया गया है। और आपका क्वेश्चन मालूम क्या है, अब आपको इस फिजिबल रीजन को देखकर कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने हैं। मजा आ जाएगा मतलब तुम्हें। एक मैं बनाता हूं, चलो फिर आप बनाना। कॉन्स्टेंट्स उल्टा हो गया, पहले कॉन्स्टेंट्स होते थे, हम ग्राफ बनाते थे, एरिया शेड करते थे, इन्होंने फिजिबल रीजन शेड करके दे दिया, लाइंस के सारे कॉर्नर पॉइंट दिखा रखे हैं, कहते हैं कॉन्स्टेंट्स आप बनाओ। मैं एक का बना रहा हूँ, बाकी आप बनाओगे, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ना इन लाइंस की नंबरिंग की गई होगी, जैसे ये L1, ये वाली L2, एक्स एक्सिस को बोलेंगे ये L3, ऐसे कुछ नंबरिंग करेंगे, और वाई एक्सिस को बोलेंगे ये L4, ठीक है। अब मैं आपको L1 का कॉन्स्टेंट बना के दिखाऊंगा, बाकी सारे आप बनाएंगे। अब बताओ L1 दो पॉइंट से पास कर रही है, वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, दिख रही है L1 के दोनों पॉइंट, 0, 90, 30, 0, राइट, 0, 90 y एक्सिस का और 30, 0 x एक्सिस का, ठीक है। दो पॉइंट हो गए। 11th क्लास का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं मैं, मानूंगा इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट है, कहीं x कॉमा y है, कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, तो मैं इस पॉइंट से x कॉमा y से इनमें से किसी एक का स्लोप निकालूंगा, किसी भी एक का, मान लो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। तो y माइनस 90 डिवाइड में रखूंगा मैं x माइनस 0, ये याद है स्लोप निकालने का तरीका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। फिर मैं इसको इक्वल करूंगा, ये स्लोप निकाल दिया मैंने, अब मैं इसको इक्वल करूंगा इन दोनों से जो स्लोप आएगा, क्योंकि स्लोप तो सेम ही होगा ना एक ही लाइन का, 90 माइनस 0, 90 डिवाइड बाय, बोलना डिवाइड बाय माइनस 30, सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो गया माइनस 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 3x इक्वल टू y माइनस 90, माइनस 3x को उधर y में प्लस कर दो और 90 को इधर जाके प्लस कर दो। पहले तो इतना बताओ क्या ये क्लियर है, 11th क्लास का काम किया आपने, 90 बाय माइनस 30 कैसे आया, ये कैसे आया है? देखो आप जब स्लोप निकालते हो ना किसी भी दो पॉइंट से, तो आप ऐसे करते हो y2 माइनस y1, तो 90 माइनस 0 90 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस 30 माइनस 30, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक तरीका है, शायद आपको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको एक तरीका और बताएगा, फिर आप जैसे मर्जी कर ले। एक और फॉर्म होती थी 11th क्लास में, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये देखो ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, यहां से लेके यहां तक देखो कितना है, ये 30 है, 30 सीधा लिखो x अपॉन 30, ये होती इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लस y में बताओ लाइन कितना कट कर रही है, y में देखो ऊपर यहाँ पे कट कर रही है 90 इक्वल टू 1, इससे बना लो, मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है, ये तो बनेगी, देखो यही आप चेक कर लो, चाहे एलसीएम बोलो इन दोनों का कितना आएगा 90 जाएगा 3 times, 90 से 90 जाएगा 1 time, वो जो एलसीएम 90 था वो सामने चला गया, देखो यही बनेगा। तो मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे मर्जी बना। अच्छा, so, साइन कौन सा लगाएंगे? अभी बता रहा हूँ, मैंने देखो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, मैंने कोई साइन नहीं लगाया अभी तक, तो एक्स वाई को एक तरफ कर रहा है, उधर 90 को अकेले छोड़ना है। अब बताओ इस लाइन का एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है? टुवर्ड्स ओरिजिन है। टुवर्ड्स ओरिजिन में लेस देन आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए? लेस देन। लेस देन के साथ इक्वल टू, इक्वल टू, ये रहा आपका पहला कॉन्स्टेंट, किसका? L1 का।
ये एल वन लाइन का कॉन्स्टेंट मैंने आपको तैयार करके दे दिया। अब आप मेरे को फटाफट से एल टू का, एल थ्री का और एल फोर का बता दो। सो डन। एल टू का बताना, एक्स प्लस वाई इज लेस देन एन इक्वल टू 50। करेक्ट। एल टू का आ रहा है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। करेक्ट है एकदम। एल थ्री का बता दो। सर x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। एल थ्री के लिए ये जो x एक्सिस है इसके ऊपर का एरिया चाहिए, ऊपर का एरिया है ना x एक्सिस से, तो x ग्रेटर देन, सॉरी x पे तो y आएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और l4 में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो y इक्वल टू 0 उल्टा होता है ना, तो x एक्सिस l3 है ना, तो y greater than 0, L4 में x greater than 0। ये लो जी, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम। तो शॉर्टकट नहीं है ये विदाउट कैलकुलेशन करने में बनाने में? इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता। देखो ये शॉर्टकट ही है, इसमें कितनी देर लगेगी आपको? देखो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, इक्वेशन लिखी लेस देन लगा दिया, इसमें लिखा 50-50 लेस देन लगा दिया, एक x कॉमा y greater than 0 कर दिया, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ओके सर, बाकी मेरे को भी क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। बताओ जी मेरे को कुछ, यस बोलो, आ गया सही में? आ गया यस सर। यस सर। चलो रब कर दो, अब आप नेक्स्ट मुझे करके दिखाओ। ओके तो एक टाइप ये हो गई भाई, फिजिबल रीजन से कॉन्स्टेंट्स को तैयार करना आराम से। देखो L3 है x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, इसका मतलब जो x एक्सिस पे y यूज किया जाएगा वो आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं ले सकते आप इस तरफ, नेगेटिव x एक्सिस यूज नहीं हो रही इसलिए ग्रेटर देन लगा दी। और l4 y एक्सिस होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, उसको भी ग्रेटर देन 0 लगा दो। सर तो एलपीपी में ये ऐसे हो गए मतलब? इसको दोबारा बताओ। अच्छा एक मिनट, बारी का रुकना। देखो ये जो लाइन L2 जा रही है ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना ले रही है? 50। y एक्सिस पे भी कितना ले रही है? 50। तो इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी? x अपॉन 50 प्लस y अपॉन 50 इक्वल टू 1। अब 50 एलसीएम लोगे तो 50 सामने चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या रह जाएगी? x प्लस y इक्वल टू 50। इक्वल टू तो है ही क्योंकि इस लाइन के सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं, लेकिन एरिया लेना है टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन के लिए आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे 0-0 इसको सेटिस्फाई करे, और 0-0 इसको सेटिस्फाई कब करेगा? जब आप इसको 50 से लेस देन और इक्वल टू रखोगे, बस रब कर दूं मैं क्या ये? अब आप मेरे को अगला क्वेश्चन बताओ, एमसीक्यू फॉर्म में दे रहा हूं आपको मैं। मंडे किसका एग्जाम है? किसी का एग्जाम था ना मंडे को? यस मेरा है। आपका? यस मेरा भी। समेरा भी है। मैथ्स का ही है? यस हां सर। चलो भाई अपने अपने पेपर ना जब आप एग्जाम देके आओगे मुझे दे देना, चाहे व्हाट्सएप कर देना, मैं सारे पेपर कंपाइल करके आपके लिए एक वर्कशीट बना दूंगा पूरी सब बच्चों के लिए, जैसे मेरे पास मेरे स्कूल के हैं, तो आप भी दे दोगे मेरे को तो मैं सारे कप पेपर कंपाइल कर दूंगा। वैसे मैंने बनानी शुरू कर दी है, टर्म वन का रिवीजन हमारा अक्टूबर एंड से स्टार्ट हो जाएगा दशहरा के बाद, इंटीग्रेशन जितना होगा उसको वहीं रोक देंगे फिर। अच्छा ग्राफ ड्रॉ कर लो भाई जरा, और भाई जो लोग आ सकते हो ऑफलाइन वो आ जाओ भाई, गौरिका मिशिता दूर रहते हैं बच्चे नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आपको यहीं पे वर्कशीट बिठा के यहीं करवाऊंगा, इन बच्चों को मैं शेयर करूंगा स्क्रीन पे।
और आप लोगों को यही करनी है बख्शीश मेरे सामने। तो मैं भी दूर रहता हूँ। दूर रहते हो, दूर वाले तो चलो कोई बात नहीं, भी मैं समझता हूँ प्रॉब्लम, लेकिन जो आ सकते हैं वो आ जाओ, अब तो स्कूल भी खुल गए। ये फिगर ड्रॉ कर लेना कोई, ये फीजिबल रीजन है, कॉन्स्टेंट्स नहीं दिए हुए हैं, फीजिबल रीजन के चार कॉर्नर हैं, टी क्यू आर एस, चारों दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, चारों के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं, आपको बतानी है मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, इसकी आपको मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे, क्या करोगे, अपने आप देख लो, मैंने तो आपको फीजिबल रीजन के चारों कॉर्नर दे दिए, लेकिन जितना तेजी से कर सकते हो उतना तेजी से करना। क्यू पॉइंट पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ क्या रही है ये बताना है। मिनिमम मैक्सिमम दोनों, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम दोनों दोनों बतानी है। ये लो ऑप्शन देता हूं मैं आपको। सर मैक्सिमम तो क्यू पॉइंट पे है। Yes, maximum Q. Yes. आपको बतानी है कितनी है, मैक्सिमम है तो कितनी है? Nine. ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन देख लो आप, पहला ऑप्शन है मैक्सिमम 8 मिनिमम 3.2, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम 9 मिनिमम 3.14, तीसरे ऑप्शन में मैक्सिमम 9 मिनिमम 4, और चौथे ऑप्शन में नन ऑफ दीस, इसमें से कोई सेकंड ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन, सेकंड, अच्छा ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, इसके एक्चुअली आंसर अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी, बाकी करने को तो कुछ है ही नहीं, करना क्या है भाई, ये चारों पॉइंट है, एक एक करके इसमें रखते जाएंगे और चार वैल्यू निकाल लेंगे चार पॉइंट पे, उनमें सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम होगी, छोटी वाली मिनिमम होगी, और क्या करना है। बताइए भाई। यस सर, क्वेश्चन दिया, ठीक है भाई, ये एक एक करके चारों पॉइंट यहाँ डालते जाएंगे, सॉल्व करते जाना है, और फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू आखिर 9 आ रही है, ऑप्शन बी आ रहा है, और मिनिमम वैल्यू 3.14 है चारों पॉइंट। नेक्स्ट ले लूं, हो गए चारों पॉइंट चेक कर लिए करके, साहिल बताओ, देखो भाई आपने ऐसे वाला पॉइंट चेक करना है, तो x को कितना रखोगे, 3/13, y को रखोगे 24/13, तो ये लो 3/13 प्लस यहाँ पे 24 रखोगे तो ये हो गए 48/13, 48 और 3 ऐड कर लो 51/13, ठीक है, रफ में इसको डिवाइड कर लो, डेसिमल में निकाल लो कुछ प्लेस तक, तो 13 3 जा और कितना आ रहा है 3.9, चलो ये लो, अब इस पॉइंट पे वैल्यू चेक हो गई, अब इस पे चेक कर लो, x को 18/7,
y को 2 अपॉन 7 यानी 4 अपॉन 7, ये हो गया 22 अपॉन 7, ये 3.14 हो गई। ठीक है, अब ये रख लो 7 अपॉन 2 3 अपॉन 4, 7 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 ये 5 हो गई लो। और एक और बचा है 3 अपॉन 2 15 अपॉन 4, मतलब 15 अपॉन 4 यहां रखोगे तो 2 से कट जाएगा 9। अब देख लो इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 9 मैक्सिमम और 3.14 मिनिमम, ऑप्शन बी, कुछ था ही नहीं करने को। तो सर मुझे डाउट पूछना। हाँ पूछो पूछो। इफ y इज इक्वल्स टू, इसका एलसीपी का ही है? नहीं सर। अच्छा रुको फिर रुको, मैं बाकी बच्चों क्वेश्चन देता हूँ ना, फिर डाउट पूछ लो आप, मैं बाकी आप लोग जरा बताना क्वेश्चन ये है, क्योंकि बाकी बच्चे इंटरेस्टिंग नहीं है ना। फिर x greater than equal to 6 है, constant दे रहा हूँ आपको मैं ये, y greater than equals to 2 है, 2x plus y less than equal to 0 है, और x comma y greater than equal to 0 है। ठीक है, ये आपके चार constants हैं, x greater than 6, y greater than 2, 2x plus y less than 0, x y दोनों greater than 0। इसका जो feasible region है, इसका जो फिजिबल रीजन है आपको बताना है वो शेप क्या आ रही है, अनबाउंडेड, इसका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड फिगर है, पॉलीगन है, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्राफ बना के एरिया शेड करना पड़ेगा। दिशा आप अपना क्वेश्चन बोल दो जब तक। इफ y इज इक्वल्स टू, हाँ, log ब्रैकेट में 10 ब्रैकेट पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। इसका डिफरेंशिएशन करना है, आंसर sec x आ रहा होगा। d पाई बाय dx, हाँ सर। sec x आ रहा है ना, ये मशहूर क्वेश्चन है। और है कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल चेन रूल लगाना है। देखो लॉग का डेरिवेटिव पहले 1 अपॉन 10, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 10। डिफरेंशिएशन तो हो गया, इसको सिंपलीफाई करना है बस। अब देखो सिंपलीफाई के लिए आपको आनी चाहिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, वो भी बहुत बेसिक वाली। अच्छा अब देखो मैं क्या करूंगा, इस टैन को साइन कॉस में खोलेंगे तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा और ये साइन नीचे रह जाएगा। इस वाले sec स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर, ये पाई बाय 4 होना चाहिए, पर चेक करो। हाँ सर पाई बाय 4 मुझे याद आ गया, ये पाई बाय 4 होता है। चलो मैंने पाई बाय 2 को पाई बाय 4 बना दिया, अब तक तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या ये तो सब सेम ही चलेगा। ठीक है, और ये 1/2 का 1/2 अपनी जगह पे ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब क्या हुआ, इस कॉस से ये कॉस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे वाले कॉस का स्क्वायर। अगर आप देखो ऊपर देखोगे तो ऊपर 1 नजर आएगा, ऊपर कुछ बचा नहीं है, लेकिन जब आप नीचे इसको रीड करोगे ना तो देखो ये क्या बन रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 तो ये रहा, और इसको रीड कर लो साइन थीटा कॉस थीटा, बताओ ये क्या बन गया पूरा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। इसका मतलब इस एंगल का डबल कर देते हैं, तो 2 थीटा का मतलब पाई बाय 4 का डबल पाई बाय 2 और प्लस x बाय 2 का डबल x, ये देखो ये बन गया। अगर ये बुक में सॉल्यूशन दिया होता है तो इसके बाद ये कैसे आता है बच्चा समझ नहीं पाता उसको, ये इन्होंने क्या करा है, ये सारे गायब करके साइन लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये साइन 2 थीटा बना दिया गया। अब क्या हुआ, क्वाड्रेंट सिस्टम यूज हुआ, साइन 90 प्लस x होता है cos x और 1 अपॉन cos x होता है sec x, इस तरह से ये sec x है। ओके सर। नहीं हुआ ये वाला, नहीं हुआ भी बताओ बाकी बच्चे। सर एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एक्चुअली पास आंसर नहीं है इसके, मेरे को बना के देखना पड़ेगा। दिशा ये नोट कर लो, मैं रफ कर दूंगा फिर। सर मतलब ऐसे एक्सटीरियर में काउंट क्या होगा, अगर ट्रायंगल के ऊपर भी एक ट्रायंगल बन रहा है तो एक्सटीरियर में काउंट होगा? नोटेड सर।
एक बार गौरिका मैं देख लेता हूँ बेटा, मैं अभी कुछ मतलब कह नहीं सकता कि पानी किसको कहना चाहते हैं जीरो पर ट्राइंगल लिए, अभी देख लेते हैं चलो। ओके सर, देखो जी ग्राफ शुरू करते हैं। एक्स ग्रेटर देन को छोड़ो, एक्स इक्वल टू सिक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, वाई हाई नहीं बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ पे, ये हो गया ये सिक्स मान, एक्स ग्रेटर देन सिक्स। अच्छा ये बता दो ये ओरिजिन है तो इस लाइन का कौन सा एरिया आप लोगे, टुवर्ड्स ओरिजिन या उधर अवे फ्रॉम द ओरिजिन? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एक्स को जीरो पुट करके देखो, सॉरी ये जीरो है ना, ये जीरो रखो तो जीरो छह से बड़ा नहीं होता है ना, तो अवे उधर जाएगा। अच्छा वाई इक्वल टू टू यहां मान लेते हैं, ये इसका एरिया बता दो टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन? अवे फ्रॉम द ओरिजिन है ना, ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ऊपर ले लो, इसमें आ जाओ, ये प्रॉब्लम करेगा थोड़ा सा। इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन खुद ओरिजिन से निकल के जा रही है। देखो अगर आप एक्स को जीरो लोगे तो वाई जीरो आएगा, अब वाई को जीरो लोगे तो एक्स जीरो आएगा, तो इसका मतलब ओरिजिन तो मिल गया भाई, लेकिन मैं लाइन को किस दिशा में ले जाऊं? ओरिजिन से अनेकों दिशाएं बनती हैं जाने के लिए, इस तरफ ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, कहां ले जाऊं, तो एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कभी, दूसरा पॉइंट चाहिए। दूसरा पॉइंट कहां से लाऊं, कहां से लाऊं, दूसरा पॉइंट तो है ही नहीं मेरे पास, यहां पे ना करोड़ों पॉइंट्स है, करोड़ों इस जगह पे, एक तो ये है, इसमें से कोई पॉइंट बोल दो ना मेरे को। चलो एक काम करो, एक तो ये हो गया ओरिजिन, ये वाला बोल दो, हाँ कुछ भी मैं तो कह ही रहा हूं, इसमें अगर मैं एक्स को सिक्स रख लू, सिक्स ज्यादा दूर हो जाएगा, पास आ जाओ, ये है ना यहाँ पे देख लो, ये वन मान लो यहाँ पे, ये वन है, चलो एक्स को वन रखना, वाई कितना आएगा, एक्स को वन रख के वाई बताओ इस इक्वेशन से, माइनस टू यानी कि नीचे, यहां से नीचे ये रख, ये मान लो ऐसे, ये आपका माइनस टू हो गया, एक्स वन हो गया, वाई माइनस टू, ये रहा वो दूसरा पॉइंट, ये वो दूसरा पॉइंट है जिससे लाइन ज्वाइन करके जाएगी। अच्छा चलो मान लो आपने ये नहीं लिया, आप अपना बोलो, चलो कोई भी एक्स बोलो जो आपको मन लगता है, कोई भी, ये तो है ना, एक पॉइंट और चाहिए ना, कोई भी बोल दो इसमें से, यहां से बोल दो, चलो वाई बोल दो, वाई को एक काम करें टू ले ले, वाई को, वाई को टू ले लेते हैं, चलो वाई को टू ले लेंगे तो एक्स बोलो कितना आएगा, माइनस वन, माइनस वन, एक्स टू और वाई माइनस वन, टू ये रहा, टू यहां से आ जाओ वाई पे और एक्स माइनस वन, कौन सा पॉइंट हो जाएगा? मैंने गलत प्लॉट किया था पहले वाला, क्या पहले वाला पॉइंट मैंने गलत प्लॉट किया था? नहीं, एक्स को लिया था पहले हमने वन, तो वन यहां था, वाई कितना आ रहा था, माइनस टू, तो यहां जा रहा था वो, हाँ ठीक है, अभी तो ये आ रहा है। तो आप कैसे ना कोई भी पॉइंट लेके देख लो, लाइन जहां से जानी होगी वो वहीं से जाएगी, चाहे आपका पॉइंट भी क्यों ना चेंज हो जाए, ये लाइन ऐसे आ गई। अब मेरे को बताओ, इसको बड़ा से आगे आके कट करवा लेते हैं, ये कट करवा लेते हैं इसके साथ ऐसे, ठीक है, यहां मिल गई, इसका कौन सा एरिया ले? मैं अब ये नहीं बोलूंगा टुवर्ड्स ओरिजिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये कैसे बोलूंगा मैं, क्योंकि लाइन तो खुद ओरिजिन से निकल के जा रही है। तो एक काम करो, इस लाइन के इधर वाले एरिया में एक पॉइंट बोलो, इधर वाले ये ले ले, ये कोई भी ले लो, उसमें क्या है, ये ले लेते हैं, चलो जीरो कॉमा टू ले लेते हैं, जीरो कॉमा टू को यहां रखते हैं, एक्स जीरो वाई टू लेस देन जीरो, बताओ ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है? फॉल्स, आराम से फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ये इसका मतलब जो पॉइंट आप ले रहे हो ना उस तरफ नहीं जाओगे, तो किस तरफ, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, ये उल्टा। अब बताओ कौन सा एरिया है जो इस लाइन के उधर उधर रहेगा, इस लाइन के ऊपर ऊपर रहना चाहिए और इस लाइन के कहां रहना चाहिए, नीचे नीचे रहना चाहिए, है कोई कॉमन एरिया? सर कोई है ही नहीं, कोई फीजिबल रीजन नहीं है, तो इसमें ना तो अनबाउंडेड एरिया है, जब फीजिबल रीजन ही नहीं तो अनबाउंडेड कहां से होगा, ना कोई पॉलीगन बन रहा है, ना ही किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, क्योंकि कोई कॉमन फीजिबल रीजन मिला ही नहीं है, तो इसका हो गया नन ऑफ दिस। सर एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब क्या है? एक्सटीरियर देखो ऐसे होता है, मैं आपको बताऊं एक्सटीरियर का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये एक लाइन, ये एक लाइन, और एरिया होता है आपका ये,
ये तो हो गया, सॉरी ये तो हो गया अनबाउंडेड, फीजिबल रीजन है, कॉमन कॉमन है सबका, सबका ऊपर ऊपर जा रहा है, ये अनबाउंडेड हो गया। पॉलीगन जैसे आप बना ही रहे थे, अंदर बन रहा था कोऑर्डिनेटर, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल में ऐसे बनता है, सिर्फ एक लाइन, ये एक लाइन हो गई, ये ट्रायंगल बन गया एक्स एक्सिस से, इसको सिर्फ इतना इतना लेते हैं। अब लेकिन इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, तो ये अनबाउंडेड भी है और ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर भी है, ये ऐसे हो सकता है। तो मैं इसमें ना अभी खुद कंफ्यूज हूं, आपको बताऊं, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका प्रॉपर मीनिंग समझ में नहीं आ पा रहा है। क्या कहना चाहता हूँ, ट्रायंगल के एक्सटीरियर कौन सा एरिया, वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है बता नहीं। अगर वो अनबाउंडेड है तो ऑप्शन तो फिर ये होना चाहिए, और अगर वो बाउंडेड है तो ट्रायंगल के बाहर का कौन सा एरिया बाउंडेड है, तो इसमें मुझे डाउट है। एक्चुअली मैंने ना पीडीएफ खोली हुई है मोबाइल में, उसमें से आपको क्वेश्चन दे रहा था ये। एनीवेज आप बताओ, तो इसका आंसर अनबाउंडेड क्यों नहीं, इसका आंसर नहीं, अभी जो हमने क्वेश्चन किया इसका तो फीजिबल रीजन है ही ना, इसका कुछ है ही नहीं। देखो हम लेंगे इसका तो ये वाला एरिया, ये ले लिया, इस लाइन का लेंगे ऊपर वाला एरिया, ये वाला, ये हो गया, और इस लाइन का इधर का लेंगे। अब बताओ कोई कॉमन एरिया दिख रहा है आपको जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन कोई एरिया? देखो अगर ये वाला कॉमन है तो वो इसके और इसके लिए है, ये वाला जो पोर्शन कॉमन दिख रहा है वो इस लाइन और इस लाइन के लिए है, इसमें कोई रोल नहीं है उसका, और इस लाइन का देख रहे तो इधर इधर का है जो इस लाइन के उधर नहीं मैच हो रहा, कोई कॉमन एरिया नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इसका कोई फिजिबल रीजन है ही। Got it? Okay, sir. चलो फिर इसको ना एक क्लास और कर लेंगे जब कर ही लिया है, फिर पूरा ही कर लेते हैं इसको। ओके जी, एंड करें फिर। थैंक यू संजय।